ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आप इसको देख के क्या आपको ऑब्जर्व होना चाहिए कि नीचे देखिए 9 - 4x² है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 9 का 0 हो जाएगा और 4x² का 8x, मतलब -8x आएगा। इसका मतलब यहाँ तो x है ही है, अगर -8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया जाए तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। अगर ऐसा है तो फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्म है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंच गया ये एक ही स्टेप में। तो हम क्या कर लें, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और आपका नेक्स्ट स्टेप में ये फॉर्म से मैच करेगा और आप फॉर्मूला प्लेस कर दोगे, यू गेट द आंसर, ठीक है। तो ये -8 तो माइनस यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया आपका फॉर्म एफ डैश एक्स और ये हो गया एफ एक्स। तो इसका हो जाएगा आपका 1/8 लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 - 4x², दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से, क्योंकि आपको टीचर्स मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से बता रहे होंगे इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं हम लोग। वहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि किसको हम लोग टी प्लेस करें मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में, और यही सबसे बड़ा हर्डल होता है। तो क्या किया जाए, हमें ये पता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, है ना, ये आपको आइडिया लगनी चाहिए, तभी आपको पता पड़ पाएगा कि आप किसको टी प्लेस करोगे। यहाँ तो हमने पहले ही डील कर रखा है, खैर। तो यहाँ पे हम कहेंगे लेट 9 - 4x² दैट इज टी, तो क्या हो जाएगा आपका -8x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। अब आप ओरिजिनल क्वेश्चन को टी में ले आइए, है ना, टी वेरिएबल में, तो ऊपर न्यूमरेटर में x dx है, तो यहाँ से x dx मतलब 8, यहाँ से आप क्या करेंगे -8 इधर ले आइए, तो x dx इक्वल्स टू dt अपॉन -8। तो आपका जो न्यूमरेटर में x dx पड़ा हुआ है उसे आप dt अपॉन -8 लिख दीजिए, और नीचे जो है आपका 9 - 4x² उसको हम t पुट कर ही रहे हैं, तो ये t हो गया। 1/8 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा इंटीग्रल से, तो -1/8 इंटीग्रल से बाहर चला गया, ये बचा 1/t dt, और ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, किसका होता है एंटी डेरिवेटिव 1/t log t का, तो क्या आ जाएगा log t, तो दैट कम्स आउट टू बी -1/8 log ऑफ t। लेकिन t तो निगेटिव भी हो सकता है, और log की डोमेन निगेटिव होती नहीं है, इसलिए एहतियातन हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट अब प्लस सी एक इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। लेकिन टी आपका डमी वेरिएबल है, आंसर मत छोड़िएगा टी में, टी को वापस एक्स में रिप्लेस करना पड़ेगा, तो टी क्या है आपका 9 - 4x², तो फाइनल जो आंसर आप लिखोगे -1/8 लॉग ऑफ 9 मॉड ऑफ -9 - 4x² + c, तो ये आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा।